नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे कहानियाँ पढ़ने और सुनने में दिलचस्पी नहीं होगी। बचपन से हम नानी दादियों से हम सभी लोग अलग अलग कहानियाँ सुनते आए हैं, चाहे वो पंचतंत्र की कहानियाँ हों या फिर अकबर बीरबल के रोचक किस्से। इन सभी कथाओं ने लोगों का खूब मनोरंजन तो किया ही है, साथ ही साथ हम ढेर लोगों को शिक्षा भी दी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रमेश चंद्र द्वारा लिखित दो किताबें। आइए जानते हैं इन किताबों के बारे में। आपको बता दें कि रमेश चंद्र उन लेखकों में से हैं जिन्होंने देर से शुरुआत तो की, लेकिन उनके जीवन के अनुभवों का सपोर्ट उनकी कहानियों में दिखता है, जो शुभ है और सुंदर भी है। रमेश चंद्र हिंदी के अत्यंत प्रभावशाली शिल्पकार हैं। कहानी बुनने और कथानक और विश्वनेता के साथ आत्मीय बनाने के लिए रचनाकार की सूक्ष्म और मानवीय मूल्य की सकारात्मकता बेहद जरूरी होती है। इस दृष्टि से चंद्र स्वाभाविक रूप से हमें परांगत नजर आते हैं। वह अपनी कहानियों में मनुष्य के जीवन के अंधेरे में छुपी रोशनी के बारे में बताते हैं। साथ ही इसमें कोई शक नहीं कि चंद्र अपनी पीढ़ी के ऐसे रचनाकार हैं जिनमें बखूबी यह हुनर है। रमेश चंद्र द्वारा लिखित दो कथा संग्रह जो कि समाज में व्यापक मुद्दों की छोटी छोटी बातों को कहानी के शिल्प में सफलतापूर्वक डालते हैं। रमेश चंद्र का पहला कथा संग्रह है दिखना पहाड़ी। लेखक ने इस कथा संग्रह में विभिन्न विषयों की कई कहानियों को इसमें लिखा है। दूसरी कथा का संग्रह है रुकना नहीं राधिका। यह संग्रह गरीब माँ की हिम्मत वाली बिटिया के हौसले व उड़ान की ऐसी दास्तान है जिसे पढ़कर भावनाओं के समंदर आंखों में उतर जाते हैं। दोस्तों, संग्रह में संकलित सभी कहानियों में शब्द चित्र कमाल के हैं, मानो कलम नहीं कैमरा हो। यथार्थ को शब्दों में पिरोकर कुशलता से बुनी गई ये कहानियाँ ऐसी हैं जो एक आदमी के दिल और दिमाग में चलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें सभी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप इन्हें मंगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए विषय के साथ। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।